अब हम आ रहे हैं आपके सामने एक नया प्रश्न लेकर। ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म पर ही है, आज हम उसी को पूरा सिखा रहे हैं। तो सरल रेखाओं x cos अल्फा प्लस y cosec अल्फा इज इक्वल टू a तथा सरल रेखाओं x sec अल्फा प्लस y cosec अल्फा इक्वल टू a तथा x cos अल्फा माइनस y sin अल्फा इज इक्वल टू a cos 2 अल्फा पर मूल बिंदु से डाले गए लंबों की लंबाइयां, मूल बिंदु से डाले गए लंबों की लंबाइयां क्रमशः स्मॉल p और स्मॉल q हो, तब सिद्ध कीजिए कि 4p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर इक्वल टू a। ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम चालू करते हैं, यहाँ पर हल लिख लेते हैं और यहाँ पर आते हैं। मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ, यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा सरल रेखा ax प्लस by इक्वल टू c पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई। इसका सूत्र होता है p बराबर c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो चालू करते हैं दी गई रेखाओं का समीकरण। दी गई रेखा कौन सी रेखा दी गई है, यहाँ पर दिया गया हमारे पास x sec अल्फा प्लस y cosec अल्फा इज इक्वल टू p। p क्या लिखा है यहाँ पर, a इज इक्वल टू a पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, ये अपन निकाल लेंगे यहाँ पर डाले गए लंब की लंबाई। इसने बोला है पी है, पी बराबर हो जाएगा ए अपॉन इसके कोफिशियंट का स्क्वायर, तो रूट ओवर हम यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर अल्फा प्लस क्या लिख देंगे कोसेक स्क्वायर अल्फा, इस प्रकार से हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन तो p इज इक्वल टू a और यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन रूट ओवर कितना आ जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। इसको हम लोग a साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा लिख सकते हैं, ओके है यहाँ तक। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, रेखा दो लेंगे। रेखा दो हमारे पास क्या लिखा है, रेखा दो x cos अल्फा माइनस y sin अल्फा इज इक्वल टू a cos 2 अल्फा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, लंब की लंबाई। इसने बोला है कि उसको किससे दिया जाएगा, प्रश्न में कितना बताया है मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई q, यहाँ पर लिखा है मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई q हो, तो q इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा a cos 2 अल्फा अपॉन रूट ओवर इसके कोफिशियंट का स्क्वायर और इसके कोफिशियंट का स्क्वायर, ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कुल मिलाकर हमारे पास आया a cos 2 अल्फा, ठीक है। अब हम चालू करेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो हमको लाना है। लेफ्ट हैंड साइड कितना दिया है यहाँ पर 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे 4p स्क्वायर, p की जगह कितना डालेंगे a साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, q की जगह कितना डाल देंगे a cos 2 अल्फा का होल स्क्वायर, तो दोनों में से हमारे पास a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ये बन जाएगा sin स्क्वायर 2 अल्फा का फार्मूला और ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर 2 अल्फा, ठीक है। कॉमन निकाल लेंगे हम a स्क्वायर को तो हमारे पास आ गया sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन बनेगा, सॉल्व होगा, ठीक है। हमको ऐसे हमको बनाना है। अब हम आ रहे हैं अगला प्रश्न लेकर आपके पास।
कि अगर हमारे पास कोई रेखा दी गई है, रेखा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p, और अक्षों से घिरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमको एक रेखा दे दी जाएगी और अक्षों से घिरे हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालने के लिए बोला जाए, तो वो कैसे निकालते हैं? रेखा और अक्षों से घिरे हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? तो हम आते हैं, यहाँ पर एक रफ स्केच बना लेते हैं। इस प्रकार से मान लीजिएगा कि ये हमारे पास वो है एक्स एक्सिस है, यहाँ पर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है जहाँ पर कट हो रहा है। तो रेखा का समीकरण, दी गई रेखा का समीकरण आप पहले लिखिएगा, दी गई रेखा का समीकरण। दी गई रेखा का समीकरण क्या दिया हुआ हमारे पास? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। इसको नंबर एक लिख लीजिए। इसको अंतःखंड रूप में बदलने पर, किस रूप में बदल दिया जाए? अंतःखंड रूप में बदलने पर, अंतःखंड रूप में बदलने पर, अगर हम इसको अंतःखंड रूप में बदलें तो एक्स अपॉन पी अपॉन कॉस अल्फा हो जाएगा, इसी प्रकार से वाई अपॉन पी अपॉन साइन अल्फा हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वन। यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो हो जाएगी एक्स अक्ष पर काटा गया, तुलना करने पर है ना, अंतःखंड स्वरूप से तुलना करने पर, अंतःखंड अंतःखंड रूप एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन से तुलना करने पर, से क्या कर देंगे इसको? तुलना करने पर, तुलना करने पर अगर हम तुलना करते हैं तो ए बराबर आ जाएगा हमारे पास पी अपॉन कॉस अल्फा, और बी बराबर आ जाएगा हमारे पास पी अपॉन साइन अल्फा। ओके, यानी कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पी अपॉन कॉस अल्फा हो जाएगा, पी अपॉन कॉस अल्फा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पी अपॉन साइन अल्फा हो जाएगा। फिर अपन आते हैं यहाँ पर, हमको बोला था कि अक्षों और रेखा से घिरा हुआ त्रिभुज, अक्षों और रेखा से घिरा हुआ त्रिभुज, यानी हमको त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? हम लिखेंगे एक बटे दो आधार गुणित ऊंचाई, एक बटे दो आधार गुणित ऊंचाई, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस, बेस कितना दिख रहा है मेरे को? ओ ए, हाइट कितनी दिख रही है? ओ बी, यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे वन अपॉन टू, बेस की जगह में हम लिख देंगे पी अपॉन कॉस अल्फा, इंटू हाइट की जगह यहाँ पर लिख देंगे पी अपॉन साइन अल्फा, इस प्रकार से। ओके, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर अपॉन साइन टू अल्फा स्क्वायर यूनिट, इस प्रकार से हमको लिखना रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो हम रेखा और अक्षों से घिरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे निकालेंगे, ये प्रोसेस है। अब हमारे पास एक नया टॉपिक आ रहा है, रेखा का प्रचालक समीकरण, रेखा का प्रचालक समीकरण। इसका वीडियो मैंने अगले उसमें समझा दिया था, अगले वीडियो में इसको समझाया गया था कि पिछले वीडियो में समझा दिया गया था कि प्रचालक समीकरण हम कैसे निकालते हैं और रेखा का प्रचालक समीकरण क्या होता है। तो हम जानते हैं कि रेखा का प्रचालक समीकरण जो एक दिए गए बिंदु एक्स वन वाई वन से होकर जाती है तथा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा का कोण बनाती है, एक्स अक्ष के साथ थीटा का कोण बनाती है, तो रेखा का प्रचालक समीकरण एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इक्वल टू आर से दिया जाता है, जहां पर आर एक कांस्टेंट राशि होती है। ठीक है, तो इसका फिगर अगर मेरे को बनाना है तो इस प्रकार से मैंने एक रफ स्केच बना दिया है, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। ये बिंदु हो गया माइनस तीन दो, यहाँ से होकर रेखा जा रही है, माइनस तीन दो से होकर जाती है रेखा, और यहाँ से कितने अंश का कोण बनाती है? 135 अंश का कोण बनाती है। तो इस रेखा का प्रचालक समीकरण क्या होगा? ये एक रफ स्केच है, 100% स्केच नहीं है, हम अपने समझने के लिए, अपने दिमाग के लिए इस प्रकार का उपयोग करते हैं। हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रेखा का समीकरण, ठीक है, जो बिंदु कितने से होकर जाती है, जो बिंदु x1 y1 से होकर जाती है, होकर क्या करती हो, जाती हो, तथा x अक्ष के साथ, तथा x अक्ष से कितने का कोण बनाती हो, x अक्ष से थीटा का कोण बनाती हो, बनाती हो। तो हम इस प्रकार से हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला पहले लिख रहे हैं कि उस फार्मूले के अंतर्गत क्या होता है। तो फार्मूले में आ जाएगा x माइनस एक्स वन अपॉन
cos थीटा इज इक्वल टू होता है y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इक्वल टू हम लोग r लिख देते हैं, यहाँ पर r एनी कांस्टेंट है तो उसको लिखो चाहे मत लिखो, प्रचालित समीकरण में हमको सिर्फ इतना ही लिखना पड़ता है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है रेखा पर कोई पॉइंट है P, है ना, उसको बोलते हैं हम एक्स वाई, तो इतना डिस्टेंस आर, इस प्रकार से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, सब बताया जा चुका है, तो इसलिए उसको नहीं लिख कर मैं सिर्फ इतना ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जब हम इसको काम करते हैं तो आप यहाँ पर डिस्टेंस भी लिख देते हो आर, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। तब इसमें वैल्यू डालते हैं, वैल्यू डालेंगे तो x माइनस x1 की जगह में कितना दिख रहा है हमारे पास 3 अपॉन cos में कितना दिख रहा है थीटा की जगह 135, हमको गिवन किया गया है थीटा इक्वल टू 135 और पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। y माइनस y1 अपॉन sin 135 डिग्री इक्वल टू r लिख देंगे अपन, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3 अपॉन cos में 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा होता है, तो हमने लिख दिया माइनस साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा y प्लस 2 अपॉन साइन 90 प्लस थीटा cos 45 होता है, तो अपन ने लिख दिया cos 45 इक्वल टू r। अब इसका वैल्यू होता है रूट 2, तो अपन यहाँ पर लिख दिया, अपन ने यहाँ लिख दिया x बाई रूट 3 1 अपॉन रूट 2 विथ साइन निगेटिव, यहाँ पर y प्लस 2 अपॉन 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू r, इस प्रकार से, ठीक है, ओके। यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। फिर अपन क्या करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा रूट टू, नीचे से रूट टू ऊपर चला गया और माइनस साइन को अंदर इंटू कर दिए, तो ये हो जाएगा रूट टू थ्री माइनस एक्स, इसमें क्या हो जाएगा रूट टू वाई प्लस टू इक्वल टू आर, दिस इज द आंसर। ये इक्वेशन ऑफ, ये इक्वेशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहलाता है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब हम आ रहे हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न प्रचालित समीकरण से संबंधित है। यहाँ लिखा है एक सरल रेखा जो बिंदु 3-2 से होकर जाती है, इसकी प्रवणता 3/4 है, रेखा की प्रवणता दी गई है 3/4 है, उन बिंदुओं के रेखा पर उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु A से 5 इकाई की दूरी पर स्थित है, रेखा A से 5 इकाई की दूरी पर स्थित है। तो मैं एक पिक्चर बना लेता हूँ इस प्रकार से, हमारे पास ये दिया है थीटा बराबर यानी रेखा की प्रवणता दी गई है मेरे को, रेखा की प्रवणता दिया गया है, इसका स्लोप दिया गया है, n इज इक्वल टू 3/4 है, ठीक है। रेखा एक बिंदु A से होकर जाती है, उसका निर्देशांक कोऑर्डिनेट दिया गया है 3-2 और रेखा पर एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, और इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड आउट करना है, हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये डिस्टेंस है r इक्वल टू 5, ये भी हमको दिया हुआ है, गिवन है फिगर में, क्या क्या गिवन है समझ में आ रहा है, ठीक है। चालू करें अपन यहाँ पर सवाल को बनाने के लिए, तो यहाँ पर हियर x1 इज इक्वल टू कितना है 3, y1 इक्वल टू कितना है 2, ओके। और प्रवणता m बराबर हमको दिया गया है tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिएगा इस प्रकार से, यहाँ पर थीटा बता दीजिएगा, दिस इज 4, दिस इज 3, 3 और 4, तो ये कितना हो जाएगा बाई 5 पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3/5 एंड कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4/5, ये हमारा निकल गया। हम रेखा का प्रचालित समीकरण पर काम कर रहे हैं, रेखा के प्रचालित समीकरण पर, तो हम लिखेंगे और हमको क्या है दिया हुआ है डिस्टेंस r बराबर, डिस्टेंस भी दिया हुआ है, यहीं पर लिख देता हूँ r बराबर कितना गिवन किया हुआ है 5। तो लिखेंगे रेखा का प्रचालित समीकरण, रेखा का प्रचालित समीकरण आप जानते हैं, रेखा का प्रचालित समीकरण वो कितना होता है, तो x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r से दिया जाता है। यहाँ पर वैल्यू डालेंगे x माइनस 3 अपॉन कॉस कितना, कॉस थीटा बराबर कितना दिख रहा है, कॉस थीटा बराबर 4/5 इज इक्वल टू वाई माइनस 2 अपॉन कितना दिखाई दे रहा है 3/5, इस प्रकार से इक्वल टू आर, आर कितना लिखा है 5, ओके। हम इसको ऊपर ले लेते हैं और 5 को कैंसिल कर देते हैं, ऐसा 5x माइनस 3/4 इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 5
y माइनस टू बाई थ्री इक्वल टू फाइव। अब इसको पहले और दूसरे से कंपेयर करा देंगे, x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस थ्री बाई फोर इक्वल टू फाइव। इसी प्रकार से 5y माइनस टू बाई थ्री इक्वल टू भी फाइव हो जाएगा, 5 कैंसिल हो गया। यहाँ से हमारे पास आया x माइनस थ्री इक्वल टू फोर, तो x इक्वल टू आ गया 7। इसी प्रकार से y माइनस टू इक्वल टू हो गया 3, तो y इज इक्वल टू हो गया 5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P लाई ऑन लाइन वो कितना हो जाएगा, है ना, रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, रेखा पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक कितने कितने होने चाहिए, हमारे निकाला है 7 और 5 हैं। ओके, इस प्रकार से हमको बनाना है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से अपन बनाएंगे तो ये एक आंसर होगा, ये बिंदु P इधर भी हो सकता है और बिंदु P इधर भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि उधर ही होगा। तो एक्स डैश वाई डैश यहाँ तक की दूरी 5 हो सकती है, तो हम यहाँ पर ये दूरी को प्लस माइनस लेते हैं, दूरी को क्या ले लेते हैं, प्लस माइनस। यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा। तो जब अगर हम एक बार प्लस लिए हैं तो इतना आएगा, एक बार माइनस लेंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, माइनस वन। ठीक है, यहाँ पर माइनस वन हो जाएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर भी हम प्लस माइनस लेंगे तो ये प्लस माइनस हुआ, अगर हम प्लस वैल्यू लेते हैं तो 5 होगा और माइनस वैल्यू लेते हैं तो y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस वन भी है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर में करेक्शन होगा इस प्रकार से।